मंगलवार शाम एक महीने पहले लापता हुए युवक के अवशेष मिलने से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या के आरोपी के निशानदेही पर अब सीओ अशेरा ने जले हुए बाकी अवशेष को भी बरामद कर लिया है। पथौली निखिल गिरे मंगोलिया कॉलोनी में अचानक उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। एक महीने पहले हुई हत्या की खबर किसी को कानो कान नहीं लगी। थाना अशेरा क्षेत्र के नागर निवासी धर्मेंद्र तिवारी 18 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया। निखिल ग्रीन मंगोलिया कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रह रहे ललित किशोर नामक व्यक्ति ने अशेरा निवासी धर्मेंद्र की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगा दिया। अवशेष को बोदला बिछवी रोड किनारे फेंक दिया। वहीं निखिल ग्रीन मंगोलिया कॉलोनी निवासियों का कहना है कि आरोपी करीब 2.5 साल से रह रहा है लेकिन किसी से बातचीत नहीं करता है और न ही किसी के आता जाता है। लाश के अवशेषों को बरामद करने के लिए पुलिस के साथ सीओ अशेरा भी मौजूद थी। नाले किनारे से जले हुए शव के अवशेष बरामद किए गए हैं और जांच पड़ताल के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे मुझे अभी जानकारी हुई कि मैं अपने मार्केट में था, घर के सामान लेने गया, मालूम पड़ा कि पुलिस की टीम आई हुई है, कि ये मालूम पड़ा घर से फोन आया कि यहाँ मर्डर हुआ है। वो मेरे घर के पड़ोस में था जिसमें एक ललित था, उसकी मम्मी रहती थी। और जब मैं कॉलोनी में आया तो जानकारी हुई कि साहब वो गाड़ी में मौजूद ललित भी था, वो संदिग्ध था, पर हमको ये जानकारी नहीं हुई किसका मर्डर हुआ, क्या बॉडी हुई, क्या हुआ, ये जानकारी नहीं मिली हमें। पर पुलिस की टीम थी लखनऊ की, लोकल की थी, और पूरी जानकारी हुई उनका। सब कॉलोनी ने पूरी सहयोग किया और उन्होंने बताया साहब ये मर्डर करीब 18 से 20 तारीख दिवाली से पहले के हुआ है। वो कल भी फिर आएंगे, फुटेज देखेंगे, कुछ देखेंगे, चेक करेंगे, और करीब 1 घंटे यहाँ पर आई। ये जानकारी मुझको जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये घटना मेरे दामाद जी के जो है बॉडी अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। कौन लोग थे जो जिन्होंने क्या किस वजह से ऐसा किया इन लोगों ने? अब ये तो पुलिस ही पूर्ण रूप में बताएगी। दो व्यक्ति संदिग्ध थे जिनके फोटो लिए गए थे, उन्हीं के तहत सुबह से ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। उसी कार्रवाई के तहत ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चला है जिसमें घर पर भी छानबीन की है, जहाँ गाड़ी है, कहाँ क्या है, क्या नहीं है, ये सारी बात होती रही है। उसके पश्चात उनके अवशेषों को लिया गया है। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस उसी कार्यवाही में लगी हुई है। अब आगे कार्यवाही जो करती है या नहीं करती है उसके बाद शायद आपको बताएंगे। पथौली स्थित निखिल ग्रीन मंगोलिया कॉलोनी में किराए के मकान पर रहने वाले दो युवकों को थाना अशेरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया गया है कि पूछताछ के दौरान हत्या आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और जला दिए गए थे। बचे हुए अवशेषों को बोदला बिशपुरी रोड किनारे फेंक दिया था। गोपाल शर्मा, सी न्यूज, आगरा।